बतावे कि रवि सर बच्चा पैदा करने का कला और राम रहीम समझ लिया रे। आर्ट का मतलब होता है, हाँ वही करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की बातें हम लोग करेंगे। हम इन सब बातों पर चर्चा भी कर रहे हैं कि बच्चा हो तो हो, कैसे हो। सुनिए टेक्नोलॉजी का नाम, पहला टेक्नोलॉजी असिस्टेड मतलब सहायक, और रिप्रोडक्टिव मतलब जनन, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। तो जनन में, रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाला तकनीक, कौन कौन सा तकनीक है। पहला तकनीक का नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दो कि उसके पिता का स्पर्म और उसकी माँ का अंडा, दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ करवा देते हैं, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। इसीलिए इस बच्चा को बोलते हैं भी टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए बताइए तो आप लोग, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ था। 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में, कि फ्रांस में, इंग्लैंड में लड़का हुआ था कि लड़की, लड़की के नाम था लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम था, लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। लेकर माय का नाम था लेस्ली, बोलो तो, लेस्ली, लेस्ली नहीं है, लेस्ली। बाप का नाम था गिलबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, गिलबर्ट ब्राउन। भाई इसको पैदा करवाया गया टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत 25 जुलाई 1978 को। फिर फ्रांस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पैदा हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी। इंडिया वाले पीछे नहीं थे, इंडिया में 3 अक्टूबर 1978 को, इंडिया में 3 अक्टूबर 1978 को कलकत्ता में एक बच्चा पैदा हुआ, दुर्गा की लक्ष्मी, दुर्गा। अगर माए बाप को नाम ठीक ना लगा तो माए ने उसका नाम बदल के रख दिया काची, कानू प्रिया अग्रवाल, बोलो ना, कानू प्रिया अग्रवाल। और जो डॉक्टर साहब पैदा करवाए थे बचवा, दोनों साहब का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय या मुखर्जी बोल सकते हैं, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया ना, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया लैब में, तो यहाँ से इसको निकाल के जाइगोट को, किसको बाबू, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जी बाबू लोग, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट, अरे जान दो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है ना, अभी बोला है। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर दिए, तो जाइगोट में रहता है, जाइगोट में 2 से 8 सेल का स्टेट में ट्रांसफर करेंगे, उसे बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन गिफ्ट भी लोग देते हैं ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर, ओके ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे भाई महिला में अंडा नहीं बनता, वो माँ बनना चाहती है, उसका यूटेरस बचदानी ठीक है, और लेकिन गर्भाशय उसका खराब हो गया, तो महिला चाहती है गर्भाशय ठीक है, अंडाशय खराब हो गया, अंडा नहीं बन रहा है, फिर भी वो माँ बनना चाहती है, तो अपनी ननद से, अपने भौजाई से, गुतनी से, बहन से, कोई से भी अंडा पैंचा मांग ली, पैंचा का मांग ली, दे बहन तो अपने वाला अंडवा, हमारे तो खराब हो गए, बनवे नहीं करती है, तोरा महीने महीने ऐसी ना बर्बाद हो जाओ। तो उसके अंडा को निकाल के ट्रांसफर कर लिया, गैमेट को ट्रांसफर करवा लिया, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और महिला माँ बन जाएगी।
अगर ये जायगोट की संख्या बता रहे हैं, अगर ये जायगोट की संख्या 16 से 32 सेल में हो गया तो इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर क्या बोलेंगे? इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर यानी कि यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? यूटेरस में। कितना सेल के अंदर में? 16 से 64 सेल के स्टेज में हम ब्लास्टोसिस्ट को यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। किसी किसी में इम्ब्रियो ट्रांसफर, पीटी बराबर इम्ब्रियो ट्रांसफर सब सुस्त हो गया रे ना, देख रहे हैं इम्ब्रियो ट्रांस ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के महिला को गर्भवती करवाया गया। अब देखो कभी कभी केस ऐसा हो जाता रहा तो आप समझिएगा कि कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था और गेंद जाके दूसरा गेंद पे लग गया, वो गेंदे फूट गया तो भारी समस्या ना हो जाएगा। तो उस केस में उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर आर्टिफिशियल डोनर के स्पर्म को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके हस्बैंड का स्पर्म नहीं, किसी दूसरे आदमी का स्पर्म बैंक से खरीद के लाएंगे और अपनी पत्नी के यूटेरस में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा डॉक्टर की मदद से, तो उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। लेकिन हस्बैंड का टेस्टिस सही था जी, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड वैसा बैंड जो हमेशा हंसते रहे उसे हस्बैंड का लिखिए, तो ध्यान रखिएगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड, क्लियर ना? ये दो चीज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पर्म अंडा में प्रवेश नहीं कर पाता है, स्पर्म को अंडा खा जा रहा है, तो उस केस में खाली न्यूक्लियस को, स्पर्म के न्यूक्लियस को अंडा में डालना रहता है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बोलो ना। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे का जन्म करवा सकते हैं, डायरेक्ट स्पर्म में न्यूक्लियस पॉइंटा में डाल देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज बच्चों कि शाहरुख खान का नाम सुने हैं? यस सर। टेस्ट ट्यूब बेबी, विमल के पचास सर। टेस्ट ट्यूब बेबी में शाहरुख खान ने क्या करवाया? सरोगेट मदरिंग। हाँ, मदर लिख के आईएनजी लगा दो, मदरिंग। सरोगेट मदरिंग मतलब भाड़े की माँ। शाहरुख खान का स्पर्म और गौरी खान का अंडा, ये दोनों को क्या किया गया कि बोले तो फर्टिलाइजर कराया गया लैब में, और उसके घर में एक गाय की मेड थी, उसके यूटेरस में अंडा को डाल दिया गया, तो डाल दिया गया तो महिला क्या हो गई? गर्भवती, और वो बच्चा उसके पेट में पल रहा है, लेकिन जेनेटिकल फादर शाहरुख खान और जेनेटिकल मदर गौरी खान थी, तो उस माँ को बोलते हैं सरोगेट मदर, भाड़े की माँ, और इसी का देन है कौन पैदा हुआ तो आर्यन खान नसड़िया, ठीक है ना। करना नसड़िया बोले आर्यन खान अंडा कोई और के, स्पर्म कोई और के, मटका कोई और के, नहीं समझ में आ रहा, नहीं, दूध कोई और का, जोरन कोई और का, मटका कोई और का, अरे बेटा इसको कहते हैं सरोगेट मदरिंग, सरोगेट मदरिंग, समझ में आई बातें? टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से बच्चा होगा तो होगा, कंफर्म गारंटी 100%, ठीक है ना। कोई उपाय है तो पूछो, क्या ऐसा परिस्थिति रहे तो बच्चा नहीं हो पाएगा,
ओके ना, इसी के साथ इस क्लास को आता है समाप्त। बाय बाय।